हाय गाइस, वेलकम टू टैलेंटेड कप। सो गाइस, आज है लीशू का बर्थडे। मतलब 8 को था लीशू का बर्थडे, लेकिन उसका सेलिब्रेशन था 10th दिसंबर को। तो वही हम बना रहे हैं। आप देखो आगे भी। तो भी हम लोग सबको बनाएंगे ना खाने का ब्लॉग। नहीं अभी भी हां, अब से आप कैसे हो? हाय हेलो, हम लोग लीशू के बर्थडे में आए हैं। अभी फिलहाल समोसा और क्या खाना। ये जो इंसान को देख रहे हैं आप, ये है मेरी मासी, जो हमेशा सबको हंसाती रहती है और सेव विच रिप्लाई भी देती है। तो आप ये आपको एंटरटेन करती रहेंगी। हाँ, यूट्यूबर ही बना दे इसको, इसके बर्थडे में वो गिफ्ट देना पड़ेगा। क्या बोलते हैं उसको, पानी मांगी, वो पानी छोड़ के क्या कर रही है। पानी दे। ये है लीशू का खाना आया है, ये है टेम्पो, इसके अंदर है खाना। ठीक है, हम आपको आफ्टर द ब्रेक दिखाते हैं कि क्या। तो आप ये बताइए, ऐसी मासी आपको कहीं मिलेगी? ये है हमारी मासी, जिन्हें हम प्यार से मिमी बुलाते हैं। सो गाइस, ये है लीशा के बर्थडे पार्टी का, जो दोपहर का वक्त था, लंच के टाइम का, उसका व्लॉग। तो आप देखो और एंजॉय करो इस व्लॉग को। आज आपकी बेटी का बर्थडे है? हाँ, नहीं बर्थडे तो एक के साथ पार्टी है। अच्छा, आप चाय पी रहे हो? या ये मैं दोपहर के लंच के पहले चाय पी रही हूँ। अच्छा, हेलो गाइस, हाउ आर यू, सब कैसे हैं? नहीं गाइस, आइए हम आपको लीशू के बर्थडे का लंच दिखाएं। कैन आई हेल्प यू? या प्लीज। ये है चटनी, इसे देखिए चटनी। ये बंगाली डिश है प्योर, ये हम लोग के लंच में, ये बंगालीज पार्टीज में ही मिलेगा आपको। ये है मछली कालिया, कतला माछ का कालिया बोलना पड़ता। इसमें है आई थिंक सो राइस होगा। आराम से निकालते हैं इसको, वैसे ही डाल दीजिए वापस। मेरा गैस सही था। yes. इसमें राइस है। ये तो खाना मस्त है क्योंकि लंच है भाई। ये प्लेट है, ये ग्लास है, और ये है दाल। दाल है मिक्स दाल। ये है बर्थडे गर्ल की मम्मी, इसको देखो। अभी तैयार नहीं हुई है, बाकी सब तैयार है। ये है आलू जूड़ी भाजा। शादी के तेरे लिए स्पेशल था, तू नहीं आया तो कोई बात नहीं, तेरी मम्मी खा लेगी। ये है बर्थडे गर्ल के दादू, और ये है मिक्स वेज जो कि मम्मी का फेवरेट है। ये कतला माछ का कलिया और चटनी। चटनी के ऊपर रखने के लिए एक प्लेट दीजिए प्लीज। प्लेट दीजिए एक प्लीज, यहाँ के ऊपर रखने ढकने के लिए। शाम की सारी प्रिपरेशंस चालू हो चुकी हैं, क्योंकि शाम में हमारा मेन जो फंक्शन है वो स्टार्ट होने वाला था। तो सारा म्यूज़िक का सेटअप अभी हो रहा था, क्योंकि बर्थडे में म्यूज़िक नहीं रहेगा तो कहाँ से मज़ा आएगा। तो डांस वांस भी तो होना था ना। स्पेशल गेस्ट बिट्टू पुच्चू नमाली लुच्चू।
गाइस आप देख ही सकते हो बड्डे गर्ल को कितना एंजॉय करके डांस कर रही है। लीशा के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी कहीं पर भी म्यूज़िक बजता है ना, मतलब अगर लो साउंड में ही क्यों ना बज रहा हो, उसके हाथ ना अपने आप डांस करने लगते, मतलब अपने आप नहीं, वो खुद ही से डांस करने लगती। उसको डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए कहीं पर भी थोड़े से साउंड में भी म्यूज़िक अगर उसको सुनाई दे रहा हो ना, तो वहाँ पर ही वो डांस करना चालू कर देती है। उसको डांस करना ना बहुत पसंद है। और अपनी बर्थडे में उसने शाम को भी बहुत ही अच्छे से डांस किया था, जिसका वीडियो मैं ज़रूर डालूंगी, आप सबको दिखाऊंगी, और आप इसमें भी देख सकते हो बहुत इंजॉय कर रही है। उसको डांस करना बहुत पसंद है, मतलब जब भी कोई भी सॉन्ग बजे उसका हाथ अब ऑटोमेटिकली हिलने लगता है, या तो वो खुश हो जाती है, मतलब किसी भी बच्चे को देखने से लगता है ना वो खुश हो रहा है। तो और अब मैं आपको मेरी मासी के बारे में कुछ बताती हूँ कि जब भी मेरी मासी आती है, मतलब एक वाइब ही अलग हो जाती है, मतलब हंसने का, मतलब इंजॉय करने का, ऐसा उनका नेचर ही इतना अच्छा है कि कोई भी उनको देखेगा ना, उनके सामने रहेगा, उनको ऑटोमेटिक हंसी आ जाएगी, क्योंकि वो हंसाती है। वो हमेशा चाहती है कि दूसरों के जो फेस पे हमेशा स्माइल बनी रहे, वो ऐसी है, और हमें बहुत ही अच्छा लगता है उनके साथ रहने में। शी इज़ वेरी नाइस, मतलब आपने तो बहुत बार देखा ही होगा, बनी एक बार आई थिंक एक या दो बार देखा होगा मेरे ब्लॉग पे, जब आई थिंक हमने लीशा का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अन्नप्राशन कर रहे थे, यस यस अन्नप्राशन कर रहे थे हम, तभी मासी आई थी, आप तभी भी देखे थे वो कितना में हंसा रही थी, कितना हम सब इन्जॉय कर रहे थे। तब सातिक और सायन यानी मेरे कजन्स, ब्रदर एंड सिस्टर भी आए थे, बट इस बार वो नहीं आ पाए, उनके एग्ज़ाम्स थे, इसलिए मासी ही आई थी बस। और हम मासी आए, हमने उन्हें बहुत मिस किया, बट हमने मासी के साथ भी बहुत सारी मस्ती की। तो आप देख लो और इंजॉय करो इस व्लॉग को, आगे भी मैं कितना बोलती हूँ कि इंजॉय कर ही रहे होगे यार आप, और भी कर लो। अच्छा आप ही तो बोले पूरा दे दीजिए, तो पूरा दे दिए हम। उधर तो है ए राई, ए राई जुड़ी बजा, आलू जुड़ी बजा दे तेरे मम्मी को पापा को। यहाँ पर नहीं, यहाँ इधर नहीं, मैं पापा के पास। ये इसको इसको डा शिपु खा ली क्या? बस 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 बस, मम्मी के साथ खाएगी। তুমি দেবে দেখো তো পরে দেরাবা নেই আমি তো না করতে তো গাইতে কাটি এখন তো কাটলো মনে হয় এখনই কাটি সময় আছে সকাল বাস। आप अगर चार साल बाद भी आएंगे उनके इससे इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। तो बहुत है, हमारा साइनी का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। साइनी तो छोटी है ना, वो इम्प्रूवमेंट होगा अभी। ये आपका बड़ी होगी, वो बड़ी होगी पूरी तरह। चलो ये नहीं लग रहा कि आप बस हमें देखो, मैं कोई भी चीज किसी को एक बार नहीं देती हूँ, इसलिए प्लीज दो बार कम उठाना, ये बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, अरे खा रहे भाई, अभी शाम को देखो थोड़ा सबके लास्ट में खाना है। इतना मच्छर काट कहाँ रखी थी उसके लिए? अरे सोर के अंदर मच्छर, वो सोर क्या करेगी इसके लिए? बार बार ব্লগ আছে, ইউটিউব চ্যানেল আছে, ট্যালেন্টেড কাপস, এই আমার একটা আছে, একবারই চালু করেছিলাম আর করিনি। ও এটাই আসছে সব। 5